Welcome students, today I am going to discuss with you multisensory approach. This is from B.Ed. 4th semester, section C. Multisensory approach. Teaching के दौरान जब teacher बच्चों को पढ़ाता है तो वो कोशिश यही करता है कि जब वो पढ़ाए बच्चों को तो बच्चों को उसका पढ़ाया हुआ बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से और अच्छी तरह समझ आए. उसका मोटिव, उसका एम, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चे समझें और उनके लिए वो एक कहते हमेशा के लिए ही उनके लिए वो एक नॉलेज बन जाए और जो उन्हें हमेशा ही याद रखें. इफ अ चाइल्ड इज नॉट लर्निंग इन द वे यू टीच, चेंज योर टीचिंग स्ट्रेटजी एंड टीच द चाइल्ड इन द वे ही लर्न्स. कहते हैं कि अगर बच्चा नहीं लर्न कर पा रहा है जो आप पढ़ा रहे हो, जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, तो अपने टीचिंग स्ट्रेटजी को बदलिए और इस तरीके से पढ़ाइए जिससे बच्चा सीख सके. मल्टी सेंसरी अप्रोच इज वन दैट इंटरग्रेट्स सेंसरी एक्टिविटीज द स्टूडेंट्स सी, हियर एंड टच. मल्टी सेंसरी अप्रोच ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी है जो सभी सेंसेस को जोड़ती है एक साथ में, जिससे बच्चे एक ही समय पर देखना, सुनना, छूना, इन सभी क्रियाओं से, इन सभी सेंसेस से सीखते हैं. मर्फी क्या कहते हैं, एक्टिविटीज सच एज ट्रेसिंग, हियरिंग, राइटिंग एंड सीइंग रिप्रेजेंट्स द फोर मोडालिटीज. कि देखना, सुनना, लिखना, जो है छू के, महसूस करके सीखना, इन सब चीज़ों को जब इकट्ठा करते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टी सेंसरी लर्निंग या मल्टी सेंसरी टीचिंग. जो मल्टी सेंसरी टीचिंग है इसमें VAKT बहुत फेमस है, जिसका मतलब है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल. मतलब ये कि इन चारों के माध्यम से, इन चारों को जोड़ के जो है सीखना या फिर लर्न करना जो है. इसमें यह माना जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स बेस्ट व्हेन इट इज टॉट यूजिंग द फोर मोडालिटीज. कि वो अच्छे तरीके से सीखते हैं जब इन चारों मोडालिटीज को, इन चारों इंद्रियों को यूज करके उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है. उसके बाद है कि जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है वो है क्या. मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल. कि एक ही साथ जो है इन चारों को प्रयोग करने को कहते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग. ऐसी टीचिंग जिसमें हम एक ही साथ एक से ज़्यादा सेंसेस का प्रयोग करके बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चे सीखने में जो है एक से ज़्यादा सेंसेस का प्रयोग एक साथ ही कर रहे हैं. सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो विजुअल है उसका प्रयोग कैसे करते हैं बच्चे. कि कोई पिक्चर अगर हम उन्हें दिखाते हैं, कोई पोस्टर दिखाते हैं, कोई मॉडल दिखाते हैं, तो बच्चे उसे देख के सीखते हैं. यूज़ ऑफ कलर फॉर हाईलाइटिंग, हाईलाइट कर देते हैं हम अपने लिखे हुए कंटेंट को तो बच्चे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. कोई ग्राफिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई ऐसा पैसेज में कोई आउटलाइन कर रहे हैं, कोई इमेज या टेक्स्ट या पिक्चर वीडियोस वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो भी बच्चे जो है उसे सीख लेते हैं देख के. उसके बाद है ऑडिटरी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं. कि पीयर असिस्टेड रीडिंग, ग्रुप में इकट्ठे बच्चों को पढ़ना, इकट्ठे उनको एक दूसरे को फॉलो करके पढ़ाना जो है, ग्रुप में उनको ऊंचा ऊंचा पढ़ने को कहना, कंप्यूटराइज्ड टेक्स्ट है उसको रीड करवाना, बुक्स को कि जो है रिकॉर्डेड टेप्स हैं उसको क्लास में सुनना या फिर वीडियो फिल्म्स वगैरह देखना जिसमें ऑडियो भी हो, म्यूजिक सॉन्ग ऐसा कुछ बच्चों के सामने प्ले करना, राइम्स प्ले करना, लैंग्वेज के गेम्स खिलवाना जिसमें बच्चे जो है बोल के सीखेंगे. उसके बाद टैक्टाइल, टैक्टाइल का मतलब होता है छू के, महसूस करके किसी चीज़ को सीखना जो है, जिसके अंदर आता है कि सेंड्रल टेक्सचर ऑब्जेक्ट हैं, टेक्सचर ऑब्जेक्ट हैं जो उभरे हुए ऑब्जेक्ट हैं उनको छूना, फिंगर पेंट्स हैं, पजल्स हैं, मॉडलिंग मटेरियल है जैसे बच्चे उसको शेप दे दे के सीखते हैं, बनाते हैं. स्मॉल मटेरियल्स हैं, खेलने वाले खिलौने ऐसे हैं जिसे बच्चे देख के, छू के, अलग अलग तरीके से मोड़ के सीखते हैं. वो सब सब क्या है, टैक्टाइल टेक्निक्स हैं जो बच्चों को लर्निंग में हेल्प करती हैं. उसके बाद है काइनेस्थेटिक मेथड्स है. इसमें क्या है, बच्चे अपने जो है साइको मोटर, अपने मसल्स को, अपने बॉडी को यूज़ करते हैं, मसल्स का यूज़ कर कोई चीज़ सीखते हैं. अगर बच्चा गेम कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, जो है जंपिंग कर रहा है, तो वो सारी क्या है काइनेस्थेटिक टेक्निक्स हैं जिससे बच्चा सीख रहा है. इसमें हम बच्चे को जो है
लैब विजिट करवा सकते हैं, गार्डन का विजिट करवा सकते हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेस दिखा सकते हैं, वो सब भी इसी में आएंगी। उसके बाद क्या हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है मल्टी सेंसरी अप्रोच के, कि मल्टी सेंसरी अप्रोच जब बच्चा एक से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करके सीख रहा है तो उसके क्या बेनिफिट है। इसके बेनिफिट तो आप खुद से भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी लर्न करते हैं और आप भी देखते हैं कि जब आप एक से ज़्यादा ये सेंसेस यूज़ कर रहे हो तो आपको कितने अच्छे से लर्निंग हो रही है। कि इंक्रीज लर्नर एंगेजमेंट, कि लर्नर बहुत ज़्यादा टाइम तक और बहुत इंटरेस्टिंग वे से एंगेज रहता है लर्निंग में, क्योंकि उसकी एक से ज़्यादा सेंसेस एक ही टाइम पे यूज़ हो रही है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से वो लर्न कर रहा है, डीप वे से लर्न कर रहा है। जनरेटिंग अ ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, बच्चा जब कोई चीज़ देख के, छू के, महसूस करके, खुद करके सीख रहा है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख रहा है और अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज़ कर पाता है। एनकरेजिंग अ ग्रेटर नॉलेज ट्रांसफ़र, और इससे क्या है कि ज़्यादा नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, बच्चा सीखता है अपनी पुरानी नॉलेज को, उसे रिलेट भी करता है और टीचर भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सिखाने में कैपेबल हो जाता है। इम्प्रूव्ड एटीट्यूड टूवर्ड लर्निंग, और बच्चे का लर्निंग के लिए दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जो बच्चा लर्निंग में बोर महसूस कर रहा था वो अब इंटरेस्टिंग वे से लर्निंग करने लग जाता है। ग्रेटर स्टूडेंट अचीवमेंट, बच्चों के रिकॉर्ड्स में भी सुधार आता है, उनके रिजल्ट में भी सुधार आता है। बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी तो रिजल्ट भी सुधरेंगे। डीपर लर्निंग हो रही है, इससे बच्चा बहुत डीपली सीख रहा है, अच्छे से सीख रहा है। इस तरीके से जो बच्चे की लर्निंग है वो ज़्यादा स्थायी होती है, लंबे समय तक रहती है। उसके बाद है टिप्स कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि मल्टी सेंसरी क्लासरूम। इसके लिए है राइटिंग होमवर्क असाइनमेंट्स ऑन द बोर्ड, बच्चे को कहना कि आप बोर्ड पे आके लिखो, बोर्ड पर मुझे लिख के दिखाओ। अगर कोई टेस्ट ले रहे हो बच्चे से तो वो आप बच्चे को बुला के बोर्ड के पास उसे लिखवा सकते हो। यूज़ डिफरेंट कलर्स, कलर डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, जिससे बच्चे आँखों का यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे, पहचानेंगे, कलर डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। इसमें उनकी जो है विजुअल, जो विजुअल कैपेसिटी है वो यूज़ होगी जो है। उसके बाद हम कह सकते हैं यूज़ म्यूज़िक इन क्लासरूम, म्यूज़िक के बेसिक जो है हम अपने ग्रामर जो है पोएम के बेस से सिखा सकते हैं, राइम्स के बेस से सिखा सकते हैं, अल्फ़ाबेट की एक पोएम से बना सकते हैं जिससे बच्चे क्या है राइमिंग बेस से उसको सीख लेंगे। अप्लाई अरोमाथेरेपी टू द क्लासरूम, ये ऐसा थेरेपी है जिसमें बच्चे डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स से कन्वे करते हैं दूसरे को। हम उनको बच्चों को उनके मूड के हिसाब से काम दे देते हैं, वो अपने मूड के हिसाब से जो है अपना परफॉर्मेंस देते हैं। जो है खुश हैं तो वैसे वर्ड्स बोलेंगे, वैसे फीलिंग शो करेंगे, नाराज हैं तो वैसे, और हम स्ट्रैटेजी भी उसके हिसाब से ही मेंटेन करेंगे क्लास में। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट विद द पिक्चर और ऑब्जेक्ट। जब क्लास में आप पढ़ाना शुरू करते हैं कोई पिक्चर दिखा के बच्चों को पहले उसकी तरफ उनको आकर्षित करिए, उसके बाद उन्हें जैसे अपने फ्रूट्स बताने हैं या कुछ वेजिटेबल्स बताने हैं तो उनकी पिक्चर्स दिखा के पहले बच्चों को, फिर उनसे बच्चों से पूछिए, फिर उनको अपना जो है कंटेंट बताना चाहिए। मेक स्टोरीज, आप स्टोरी बना के बताओ। अगर आपने संज्ञा सिखानी है, सर्वनाम सिखाना है, कुछ ऐसी चीज़ें सिखानी है तो उनको एक स्टोरी के माध्यम से सिखाओ। कोई आपको मॉरल वैल्यूज डेवलप करनी है वो हम कर सकते हैं। यूज़ डिफरेंट कलर्ड पेपर, अलग अलग उनकी विजुअल जो है सेंस को यूज़ करने के लिए हम अलग अलग कलर पेपर यूज़ कर सकते हैं। एनकरेज डिस्कशन, बच्चों में जो है उनकी ऑडिटरी पावर्स और ज़्यादा डेवलप करने के लिए हम उनके अंदर जो है डिस्कशन के लिए मोटिवेशन कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, डिस्कस करें टॉपिक्स पे, जिससे उनकी लर्निंग और तेज़ हो और डीप लर्निंग हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया यूज़ कर सकते हैं हम। आजकल इंटरनेट है, उस पर कितनी सारी पिक्चर्स आती हैं, पावर पॉइंट है, स्लाइड शो कर सकता है बच्चा, उसमें जो है अलग अलग तरीके से पिक्चर्स भी बना के उसमें अपने कंटेंट को शो कर सकते हैं। गेम्स के द्वारा बच्चों को गेम खिलवा के हम अपना कंटेंट उनको सिखा सकते हैं। तो ये सारी हमारी टेक्निक्स थी बच्चों, जो हम अपने क्लास में एक मल्टी सेंसरी क्लास रूम में यूज़ कर सकते हैं बच्चों को अच्छे से बहुत गहराई से सिखाने के लिए, एक ही टाइम पे सिखाने के दौरान उनको बिजी रखने के लिए, उनकी एक से ज़्यादा सेंसेस को प्रयोग करते हुए कक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम करवा सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।